रेनबो किड स्कूल, जहां मिलता है प्ले स्कूल टू फिफ्थ क्लास, क्वालिटी एजुकेशन वो भी घर जैसे माहौल के बीच। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें अथवा एमपीबी ऑफिस के पास आनंद नगर में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से जो खंडवा में मुहर्रम की जो 10वीं तारीख और 11वीं तारीख, अर्थात ये 17 जुलाई और 18 जुलाई को यहाँ पे ताजिए विसर्जन के लिए जुलूस के रूप में निकलेंगे, उसको लेके पुलिस ने पूरी बड़े ही माइक्रो लेवल पे इसकी तैयारियाँ की हैं। हर ताजिए और हर सवारी के आयोजकों के साथ थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी स्तर पर बैठकें हुई हैं, उनमें वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही जो हमारे शासन के नियम हैं, उन नियमों के तहत ही पूरा प्रोसेसन निकले, इस बात को भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। उसको लेके न केवल खंडवा ज़िले के सभी महत्वपूर्ण जो अधिक से अधिक बल को यहाँ पे शहर में लगाया गया है, बल्कि पुलिस मुख्यालय द्वारा भी SAF की कंपनी और प्रशिक्षित आरक्षक भी इंदौर और भोपाल से भेजे गए हैं, जो आज यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो पूरी चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था है। आज जो सवारियाँ निकलेंगी उसमें भी पूरी व्यवस्था रहेगी, और कल दिन में जुलूस ताजिए बाहर आएंगे, बुधवार तक जाएंगे, और साथ ही रात में कल जुलूस निकलेगा, परसों जुलूस निकलेगा, उसकी तैयारी पूरी है। इसके साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा का भी पर्व 20 और 21 जुलाई को यहाँ पर होगा, क्योंकि परसों गुरुवार का दिन रहेगा और गुरु पूर्णिमा के पूर्व के गुरुवार को बाहर के काफ़ी जगहों से निशान को लेके आने की श्री दादाजी परिसर में लोगों की परंपरा रही है, तो उसको लेके भी हम लोगों ने पूरी शहर के नाकों पे व्यवस्था लगाई है। साथ ही जब वो आएँ तो उनके साथ भी पुलिस बल रहे, जिससे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसको लेके भी व्यवस्था है। शहर में पार्किंग की व्यवस्था, बसों को कहाँ रखना है, कहाँ पे पार्किंग करना है, अमानती सामान गृह कहाँ रखना चाहिए, और महत्वपूर्ण जगहों पे पुलिस की व्यवस्था रहे, जिससे जो श्रद्धालु आएंगे इस पूरे कार्यक्रम में 2 से 3 दिन तक, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसको लेके आज 3 बजे माननीय सांसद जी और विधायकगण, महापौर जी, कलेक्टर साहब और हम लोग आज दादाजी धुनी वाले के पूरे परिसर में आज भ्रमण भी करेंगे, और व्यवस्थाओं को आज फिर से एक बार जायजा लेके ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे इस कार्यक्रम में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था रहे, क्राउड मैनेजमेंट अच्छा हो, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको दर्शन करने में और शहर में भ्रमण करने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। रेनबो किड स्कूल, जहां मिलता है प्ले स्कूल टू फिफ्थ क्लास, क्वालिटी एजुकेशन वो भी घर जैसे माहौल के बीच। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें अथवा एमपीबी ऑफिस के पास आनंद नगर में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।